गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर फोर मल्टीप्लिकेशन। यस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन ए टू जे एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन के ऑफ क्वेश्चन वन। के में है आपका, देखिए थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 523। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, 3256 मल्टीप्लाई बाय 523। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या था मैंने बताया था कल भी आपको, पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो 3 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी ओवर, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 3 9। अब देखिए हम वंस प्लेस से हो गया, टेंथ प्लेस से जब करेंगे तो वंस प्लेस में क्रॉस कर देंगे। अब फिर क्या करना है हमें, 2 6 12, 2 1 कैरी ओवर, 2 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 3 6। अब हम करेंगे 100 प्लेस से मल्टीप्लाई, तो वंस और टेंस प्लेस पे क्रॉस करेंगे, 5 6 30, 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 5 25 प्लस 3 28, 2 कैरी ओवर, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 कैरी ओवर, 5 3 15 प्लस 1 16। अब इसको ऐड करेंगे, 8 6 प्लस 2 8 7 1 8, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 कितना हुआ 22। तो 2 कैरी ओवर, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 1 कैरी ओवर, 7 एंड 1, दिस इज आंसर। एंड क्वेश्चन एल, एल में क्या है आपका, 9276 मल्टीप्लाई बाय 392। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9276 मल्टीप्लाई बाय 392। अब देखिए 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 9 18। अब वंस प्लेस के हो गया आपका, टेंस प्लेस से करेंगे तो वंस प्लेस पे क्रॉस किया, 9 6 54, 5 कैरी ओवर, 7 9 63 प्लस 5 68, 6 कैरी ओवर, 9 2 18 प्लस 6 24, 4 2 कैरी ओवर, 9 9 81 प्लस 2 83। अब नेक्स्ट है आपका 100 प्लेस से करेंगे तो वंस और टेंस प्लेस पे क्रॉस कर दिया जाएगा। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 6 18, 8 1 कैरी ओवर, 7 3 21 प्लस 1 22, 2 कैरी ओवर, 3 2 6 प्लस 2 8 एंड 3 9 27। अब ऐड करेंगे, 2 9 8 8 16 प्लस 5 21, 2 कैरी ओवर, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, 3 1 कैरी ओवर, 8 8 16, 1 कैरी ओवर एंड 3 2 प्लस 1 3। तो इस तरह से ये आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे ये आपको बाकी जो क्वेश्चन है, के एल हमने कर लिया, अब एम एन ओ ये यू तक ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन टू बता रही हूँ, फाइंड द मिसिंग डिजिट, ये आपका क्वेश्चन टू है। इसमें फाइंड द मिसिंग डिजिट,
तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन ए देखते हैं हम, 64,396 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपसे यहाँ पर गिवन देखिए, इसमें ब्लॉक्स दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें गिवन क्या है, 407। एक मिनट, 336 ब्लॉक्स है, ओके 6 ब्लॉक्स है इसमें, ये है। अब आप देखिए इसमें आपको दिया है 407, ये दिए गए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो मिसिंग, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 7 6 आपको कुछ नहीं, आप ये देख के घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए आप सिंपल। तो देखिए जैसे 7 6 क्या हुआ, 42, तो 2 यहाँ आ गया, 4 कैरी ओवर, 7 9 63, 63 प्लस 4 कितना हुआ, 67, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 6 कैरी ओवर। अब आप देखिए 7 3 21 प्लस 6 27, तो 7 यहाँ आ गया, पहले गिवन है 2 कैरी ओवर, 7 4 28 प्लस 2 30 0 3 कैरी ओवर, 7 6 42 प्लस 3 42 प्लस 3 कितने हो गए, 45। तो क्या आया यहाँ पर, ये मिसिंग नंबर से ये आपका हो गया। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में भी देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5389 मल्टीप्लाई बाय 67। अब आपको इसमें गिवन क्या है, 3, ये 2 ब्लॉक्स छोड़ दिए गए हैं, और ये यहाँ पर है 7 और ये 3। ठीक है, ये दिया गया है आपको, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स नहीं दिए गए, ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है। फिर नेक्स्ट नीचे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे 4 गिवन है, ये 3 गिवन है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, और ये ये 3 यहाँ पे है। और आप, आपको आंसर में क्या दिया गया है, यस यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, ये अब आपको खुद को फिल करना है यहाँ पे आंसर जो होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, 7 9 63, 3 6 कैरी ओवर, 7 8 56, 56 प्लस 6 कितना होता है, 50 62, तो 2 6 कैरी ओवर, 7 3 21, 21 प्लस 6 27, तो 7 2 कैरी ओवर, 7 5 35 प्लस 2 37 गिवन था। तो अब इसको करेंगे हम, 54, तो 4 5 कैरी ओवर, 6 8 48, 48 प्लस 5 53, तो 3 5 कैरी ओवर, 6 3 18 प्लस 5 23, 2 कैरी ओवर, 6 5 30 प्लस 2 32। अब आपको ऐड करना है, 3 6 0 1 11, 1 कैरी ओवर, 6 एंड 3। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन आपको के से लेके आई यू तक तो करने ही करने हैं, और ये जो है नीचे का क्वेश्चन सेकंड है जो, ये आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करना है। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, 2 क्वेश्चन K2Q
a notebook and a question to do in book. ये आपको क्वेश्चन टू को आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करना होगा. दिस इज पेज नंबर 49, 50 तक है आपका ये क्वेश्चन टू. ओके, थैंक यू.